असर मंडियों में कृषि जींस उत्पाद सप्लाई पर है। खरीफ सीजन के दौरान कोटा संभाग में अतिवृष्टि और जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर संभाग में कमजोर मानसून ने उत्पादन पर असर डाला है। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की फसल समीक्षा बैठक के आंकड़े महंगाई के दौर में चिंता बढ़ा सकते हैं। प्रदेश की कृषि उपज मंडियों के कारोबारियों का कहना है कि बाजरे की फसल गत वर्ष के मुकाबले 20% कम है, वहीं पर कपास और मूंग की भी गत वर्ष के मुकाबले कम है। राजस्थान की मंडियों में बाजरे की 90,000 बोरी प्रतिदिन की आवक है, मूंगफली 3,00,000 बोरी की आमद है, मूंग 35,000 बोरी की आवक है, उड़द 5,000 बोरी, ज्वार 10,000 बोरी, कपास 40,000 गांठ, मक्का 15,000 बोरी, गवार 30,000 बोरी, तिल 3200 बोरी, सोयाबीन 45,000 बोरी, चोला 1,000 बोरी, धान 3,00,000 बोरी, मोठ 20,000 बोरी की मंडी आवक औसत आधार पर बनी हुई है। वर्ष 2020 में बाजरा व्यापारिक अनुमान के अनुसार 39,00,000 टन पैदा हुआ था, इस वर्ष 34,00,000 टन पैदा होने का अनुमान है। बाजरे के किसान ने बुआई भी कम की थी, इस कारण से बाजरे के भाव केटल फीड क्वालिटी 1500 से 1600 तथा 1800 से 2000 रुपए तक प्रति क्विंटल अच्छा सफेद माल बिक रहा है। वहीं पर कपास की साल 2020 में 17,00,000 गांठ की पैदावार हुई थी, जो कि इस साल घटकर 13,00,000 रह गई है। वर्तमान में इसकी 8,700 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिक्री भी हो रही है। साल 2021 के खरीफ सीजन में 10 से 12,00,000 टन मूंग होने का अनुमान है। भाव मीडियम क्वालिटी के 6,000 के करीब चल रहे हैं। ज्यादा आमद भी मीडियम क्वालिटी की हो रही है। मूंगफली की फसल राजस्थान में अच्छी रही है, इस साल 20,00,000 टन मूंगफली पैदा होने का अनुमान है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता का ये कहना है कि फसल समीक्षा बैठक में कृषि जिनसों की वास्तविक मंडी आवक के आधार पर आकलन किया गया है। इसमें राजस्थान की 65 मंडियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। आने वाले दिनों में अधिकतर मंडियों में खरीफ सीजन की फसल की आवक में कमी आएगी। समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि आने वाले समय में अच्छे जो जींस होगी, ऐसी अच्छी कृषि जींस होगी, उसके भाव बहुत तेज रहेंगे। पशु क्रूरता भी नहीं कर सकते। बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत।